गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हो रही थी और एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप चाहें तो उस प्रश्न को नोट डाउन कर लें कि यद्यपि गांधी के नेतृत्व वाली सभी बड़े आंदोलन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहे फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आजादी के करीब ले जाने का काम किया। और अंततः देश को आजादी मिली इस विरोधाभास की व्याख्या आप कैसे करेंगे लिखें दो All the major movement led by Gandhi, failed to achieve their goal. They led India. towards freedom. How you will explain this contradiction? देखें, नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो गांधी के तीन मेजर मूवमेंट हैं, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर हमारी चर्चा हो चुकी है। लगभग अगर आप देखें तो हमारी आपके साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर भी चर्चा हो चुकी है। क्विट इंडिया मूवमेंट पर हमारी आपके साथ चर्चा होनी बाकी है। मैंने कल भी इस बात की चर्चा की थी
कि चाहे असहयोग की बात करें, जिसने एक साल के भीतर स्वराज हासिल करने का लक्ष्य रखा था, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, जिसने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया था, दोनों ही आंदोलन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते। लेकिन नेशनल मूवमेंट की जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री की रियलिटी यह है कि इन दोनों ही मूवमेंट ने नेशनल मूवमेंट को एडवांस स्टेज में पहुंचाने का काम किया, और सहयोग आंदोलन ने कैसे एडवांस स्टेज में पहुंचाया, इस पर विस्तार हमारी चर्चा हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कैसे नेशनल मूवमेंट को एडवांस स्टेज में पहुंचाया, इस पर भी मेरी आपके साथ विस्तार से चर्चा हुई। कैसे न्यू सोशल ग्रुप से नेशनल मूवमेंट को गांधी कनेक्ट करने में सफल रहते, किस तरह से आंदोलन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल बेस निर्मित करने में सफल रहते, कैसे गांधी ने कंस्ट्रक्टिव वर्क के जरिए नेशनल मूवमेंट के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरीके से गांधी ने टैक्टफुल्ली मूवमेंट को लीड किया, जिस तरह से गांधी ने लगातार नेशनल मूवमेंट के कोर्स ऑफ डायरेक्शन को रीओरिएंट करने का काम किया, और जब आंदोलन अपने पीक पर होता था, गांधी कुछ न कुछ उस आंदोलन के जरिए हासिल करके निकलते थे। गांधी इरविन पैक्ट की भी मैंने आपके साथ चर्चा की। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, गांधी इरविन पैक्ट का सिंबॉलिक महत्व कहीं ज्यादा है, और सिंबॉलिक महत्व हिस्टोरिकल है तीन कंटेक्स्ट में। एक तो मैंने इस बात की चर्चा की कि गांधी के नॉन वायलेंट सत्याग्रह की दृष्टि से अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखें तो एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बनकर आता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि आंदोलन वायलेंट फॉर्म लेता है, उसके बावजूद आंदोलन को गांधी विड्रॉ नहीं करते, जो यह इंडिकेट करता कि नॉन वायलेंट सत्याग्रह के प्रति गांधी का अप्रोच जो है वह अब थ्योरेटिकल या आइडियलिस्टिक न रह करके प्रैक्टिकल होता है, प्रैग्मेटिक होता है, व्यावहारिक होता है। दूसरा अगर कंटेक्स्ट देखें तो जिस तरह से वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी के साथ समकक्ष की तरह व्यवहार किया, यह भारतीय जनमानस को आश्वस्त करने वाला लगा। पहली बार ऐसा हुआ कि जो सत्ता अब तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए जानी जाती थी, जो सत्ता अब तक भारतीयों को अनकल्चर्ड घोषित करती थी, भारतीयों को अनसिविलाइज्ड घोषित करती थी, आज उसके द्वारा इक्वल फुटेज पर ट्रीट किया जा रहा है, यह किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। और तीसरी बात इसके कंटेक्स्ट में मैं जो कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इंडियन माइंडसेट इस बात से भी खुश था कि कम उसके मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्रश किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस प्रेशर को क्रिएट करने में असफल रहा था, जिस प्रेशर की बदौलत इंडियन नेशनलिस्ट कॉलोनियल पावर के साथ निगोशिएट करने की स्थिति में पहुंचते। वहां पर निगोशिएशन की संभावना ही नहीं आती। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है निगोशिएशन की स्थिति को पैदा करता है।
तीसरा कंटेक्स अगर आप देखें कि गांधीयन टेक्निक की जो प्रश्न हमने लिखाया, अगर उस प्रश्न के कंटेक्स में देखें, गांधीयन टेक्निक की अहम भूमिका रही। देखें आज की राजनीति में फ्रेंकली अगर मुझसे पूछे तो जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जोड़ी ने किया है, राजनीति को 24/7 में तब्दील कर दिया है। अगर आप देखें तो 1910 के दशक के उत्तरार्ध में गांधी ने यही काम किया, नेशनल मूवमेंट और नेशनल एक्टिविटी पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं रह जाती, फुल टाइम एक्टिविटी में तब्दील हो जाती है। या तो भारतीय राष्ट्रवादी गांधी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे होते, मूवमेंट कर रहे होते, या भारतीय राष्ट्रवादी गांधी के नेतृत्व में कंस्ट्रक्टिव वर्क के जरिए अगले आंदोलन की तैयारी कर रहे होते। भले ही बिपिन चंद्रा ने संघर्ष विराम संघर्ष की बात की हो, लेकिन वह संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति नहीं है, वह संघर्ष तैयारी और संघर्ष की रणनीति है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, गांधी ने मूवमेंट को टैक्टफुल्ली हैंडल किया, इससे पहले कि नेशनल मूवमेंट जो है बिखरे, डिस्पर्स्ड हो, गांधी ने जो है वो नेशनल मूवमेंट द्वारा क्रिएटेड प्रेशर की बदौलत कॉलोनियल पावर को बार्गेन करने की कोशिश की, बेस्ट बार्गेनिंग डील हासिल की, क्योंकि गांधी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि जनता के आंदोलन करने की जो शक्ति है उसकी सीमा है। कोई भी जनता किसी भी जन आंदोलन में लंबे समय तक अपने को इनर्जाइज नहीं रख सकती है, लंबे समय तक वह आंदोलन में नहीं बनी रह सकती, और ऐसी स्थिति में अगर मास मूवमेंट लिंगर करता है, लंबा खींचता है, तो ऐसी स्थिति में आंदोलन के जनता की ऊर्जा कमी के साथ आंदोलन के बिखरने का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। कारण यह कि जो लीडरशिप होती है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते, उनकी तुलना में मास की सेक्रीफाइस करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो सीमित होती है। तीसरी बात मैंने कही, अगर इस कंटेक्स में जाकर के देखें तो अगर इस कंटेक्स में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो गांधी पर एक प्रेशर भी आंदोलन को विड्रॉ करने के लिए पड़ रहा है। वो कैपिटलिस्ट क्लास का प्रेशर है, वह बिजनेस क्लास का प्रेशर है, जिसने आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वह कहीं ना कहीं सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ आता। जब आगे चल करके देखे, जब आंदोलन लंबा खींचने लगता तो इस वर्ग का बिजनेस जब प्रभावित होता है तो उस स्थिति में यह वर्ग कहीं ना कहीं एक दबाव निर्मित करना शुरू करता कि अब आंदोलन को विड्रॉ किया जाए। अगर आप देखें, गांधी इरविन पैक्ट की शर्त थी गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, गांधी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो जाते हैं तो आशंकित मनोदशा में गांधी जाते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित होता है, कांग्रेस ने उसका बायकॉट किया और उसने पूरे के पूरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ही इररिलेवेंट बना दिया। और चूंकि जिस समय फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा था, उस समय अगर आप जाकर के देखें तो भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो जोरों पर था, तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पूरा एजेंडा ही बदलता हुआ दिखाई पड़ता। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने पूरे देश में जिस प्रकार के सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रखे हैं, यहीं पर जाकर चीजें समाप्त होती हैं और अल्टीमेटली उसका परिणाम यह होता, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का उसका परिणाम यह होता है
कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन पैक्ट का आधार तैयार होता है। कहीं ना कहीं कॉलोनियल पावर या महसूस करती है कि कांग्रेस के साथ गांधी के साथ निगोशिएट करने की आवश्यकता है, और निगोशिएशन के जरिए आंदोलन ने जिस अव्यवस्था को जन्म दिया है उस पर उसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, सोल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते, लेकिन अगर आप देखें तो गांधी बहुत होपफुल नहीं थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट को लेकर के। और इसलिए देखेंगे गांधी ने जाते समय एक टिप्पणी की थी कि इस परिषद से खाली हाथ लौटने की पूरी संभावना है। मतलब गांधी को इस बात की आशंका थी कि वे एम्प्टी हैंडेड लौटेंगे, और जब वहाँ से वो आते हैं तो उस स्थिति में गांधी को ये रियलाइज होता कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने और कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ साथ नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने गांधी इरविन पैक्ट को डंप कर दिया है, उस गांधी इरविन पैक्ट का अब कोई महत्व नहीं रह गया। और इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें दिसंबर 1931 में गांधी ने जो है वह जब नए कानून लाए गए, जिस नए कानून के जरिए, क्योंकि गांधी ने एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उस स्थिति में देखेंगे कांग्रेस को एक बार फिर से गैर कानून संगठन घोषित किया जाता है। आप देखेंगे लोगों को, आंदोलन कारियों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके अगेंस्ट गोलीबारी तक होती है। तो अगर आप देखें तो गांधी ने इस स्थिति पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि मैं ऐसा समझता हूं कि ये ऑर्डिनेंसेज हमारे इस ईसाई वायसराय लॉर्ड विलिंगडन की ओर से भारतीयों को क्रिसमस का उपहार है। आप देखें एक सप्ताह के बाद गांधी को गिरफ्तार करके भी यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। आगे अगर यहां से बढ़ें, जहां तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है, तो मैंने ये कहा कि फिर से शुरू किया गया। 1932 में अगर आप देखें मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा होती है, और मैकडोनाल्ड अवार्ड के साथ मोमेंटम बदलता हुआ दिखाई पड़ता। अब ये मन में आपके प्रश्न उठेगा कि आखिर ये मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या है। तो दरअसल देखेंगे मैकडोनाल्ड अवार्ड के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो वर्ण और जाति पर विभाजित है, और हिंदू समाज जिसमें अनटचेबिलिटी का प्रचलन है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है हिंदू समाज को विभाजित करने की कोशिश करती, हिंदू सोशल स्ट्रक्चर को डिवाइड करने की कोशिश करती है, और इसके माध्यम से कांग्रेस को भी कमज़ोर करने की कोशिश करती है, और कांग्रेस के साथ साथ नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी कमज़ोर करने की कोशिश करती है। क्योंकि मैकडोनाल्ड अवार्ड के जरिए देखें तो सेपरेट इलेक्ट्रॉल को एक्सटेंड किया गया। अब तक जो सेपरेट इलेक्ट्रॉल था, अब तक जो पृथक निर्वाचक मंडल था, वो अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए था। 1919 में आपने देखा सिखों और यूरोपियों तक भी सेपरेट इलेक्ट्रॉल का विस्तार किया जाता, और मैकडोनाल्ड अवार्ड के जरिए दलितों और दलितों को अल्पसंख्यक के साथ साथ आप अगर देखें तो भारतीय ईसाइयों और स्त्रियों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अगर इस कंटेक्स में देखें तो दलितों को माइनॉरिटी के रूप में ट्रीट किया गया और उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोल का प्रोविजन किया गया। और इसमें बड़ी चालाकी से क्या किया जाता कि दलितों को दोहरा मताधिकार दिया गया, मतलब उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोल की भी व्यवस्था की गई और उनको मिक्स्ड इलेक्ट्रोल में भी वोटिंग राइट प्रदान किया गया। और इस तरीके से देखें तो न केवल हिंदू समाज को तोड़ने बल्कि चुनाव परिणामों को भी प्रभावित करने की इनडायरेक्टली इसके द्वारा कोशिश की गई। और ये काम नेक्स्ट टू डिकेड के लिए किया जाना था, अगले 20 वर्षों के लिए किया जाना। कांग्रेस ने
मैकडोनाल्ड अवार्ड के जरिए जो आप कह लें गेम खेलने की कोशिश की किसने, तो मैकडोनाल्ड अवार्ड के जरिए जो है इसके जरिए अंग्रेजों ने जो गेम खेलने की कोशिश की, चाहे वो कांग्रेस को कमजोर करने की, चाहे वो गेम खेलने की कोशिश उनके द्वारा की गई हो, किसको कमजोर करने की, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की, चाहे वो गेम खेला गया हो हिंदू समाज को विभाजित करने की, उसने इसको समझा। और इसीलिए मैकडोनाल्ड अवार्ड के प्रति कांग्रेस का रिएक्शन निगेटिव रहता है, वह कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट थी, लेकिन उसने निर्णय लिया ना वह इसको एक्सेप्ट करेगी ना वह उसको रिजेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप देखें गांधी इसके अगेंस्ट यरवदा जेल में आमरण अनशन पर जाते हैं 20 सितंबर 1932 को। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो गांधी का यह मानना था कि यह केवल नेशनल मूवमेंट की यूनिटी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह हिंदू सोसाइटी के साथ साथ दलितों के लिए भी खतरा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट जो है वह वीकेंड होगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दलितों के सोशल स्टेटस में इसके कारण किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की संभावना व्यक्त नहीं की जाती। गांधी के आमरण अनशन ने दलित लीडरशिप पर दबाव उत्पन्न किया, और वहां देखेंगे भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय और एमसी राजा, इनके मीडिएशन में जाकर के देखेंगे सवर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य अंततः 26 सितंबर 1932 को समझौता संपन्न होता है, और वह समझौता पूना समझौता के नाम से जाना जाता, वह समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इसके कंटेक्स्ट में आप क्या पाएंगे, आप यह पाएंगे पूना पैक्ट ने कहीं ना कहीं मैकडोनाल्ड अवार्ड के जरिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को विस्तार देने की जो कोशिश अंग्रेजों के द्वारा की गई थी उसको पूना पैक्ट ने इररिलेवेंट बनाया। क्योंकि अगर आप देखें तो पूना पैक्ट के जरिए दलितों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रॉल को रिजेक्ट किया गया, और सेपरेट इलेक्ट्रॉल को रिजेक्ट करते हुए अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, राहुल इस प्रश्न का कंटेक्स्ट क्या है, नहीं हो तो मोबाइल मेरा बढ़ा दीजिए। अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अगला जो प्रश्न इमर्ज करता हुआ आता है वह क्या आता, तो अगला प्रश्न यह इमर्ज करता हुआ आता कि इसके लिए अछूतों को जो दलित थे उनके कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो उनको उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और सेपरेट इलेक्ट्रॉल के जरिए उनको जो लाभ मिलता उसकी तुलना में देखें तो उनके लिए आरक्षित सीटों की समस्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई। तीसरा कंटेक्स है जो केंद्रीय विधानमंडल है, ये तो मैंने कही। तीसरी बात जो यहाँ पर की गई कि पब्लिक सर्विसेज में और लोकल बॉडीज के कंटेक्स में जाकर के देखें, लोकल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें दलितों की उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर समुचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात की गई। तो अगर इस कंटेक्स में देखें पूना पैक्ट ने दलितों को उससे ज़्यादा दिया जो उन्हें मैकडोनाल्ड अवार्ड के जरिए मिलना था। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इस तरीके से काउंटर किया गया, किसके द्वारा, तो काउंटर किया गया कांग्रेस के द्वारा, गांधी के द्वारा। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें अब अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता हुआ आता, आप देखें जुलाई 1933 में
आप देखे, गांधी ने देखा कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वह इनर्जी नहीं है, लोग इसके प्रति उतने इंथुजियास्टिक नहीं थे हैं जितना इंथुजियाज्म फर्स्ट फेज के दौरान दिखता है। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक बार फिर से विड्रॉ करने की घोषणा की और उसके जगह पर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, और उस इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो बिहार में उसने अपने उसको इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिलता है और बिहार में उसने इफेक्टिव प्रेजेंस शो किया। अल्टीमेटली आप जाकर के देखें, ओवरऑल देखें तो इंडिविजुअल जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके प्रति भी रिएक्शन कुछ उसी तरह का दिखाई पड़ता। अर्थात अगर हम मूव करें तो CDM 2 और CDM 2 के बाद जो है वह इंडिविजुअल इंडिविजुअल CDM इन दोनों को 1933 में वापस लिया जाता है। अब अगर थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक बातें कर लें, बिहार स्पेसिफिक बातें हम करें तो बिहार में देखें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने यह चीज कहा कि यद्यपि राजेंद्र प्रसाद चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन को बिहार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रमुख मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी के प्रेशर के आगे उन्हें इस मसले को डंप करना पड़ा। भले ही कांग्रेस ने चौकीदारी करके अगेंस्ट मूवमेंट को जो है परमिशन नहीं दिया हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मुख्य मुद्दा ना बनाया हो, लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो वाकई बिहार के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक यूनिक फीचर जो इमर्ज करता है वह है एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन, जिसका इंपैक्ट बिहार के साथ साथ बंगाल पर भी दिखाई पड़ता। जहां तक नमक सत्याग्रह की बात है, 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले से साल्ट सत्याग्रह की शुरुआत होती है। चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा, पटना में जगत नारायण लाल, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, मुंगेर में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, शाहबाद में सरदार हरिहर सिंह, इन लोगों ने इस नमक सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया। और अगर आप देखें तो सत्याग्रहियों के प्रति जो सरकार का रवैया रहा वह रवैया उसी प्रकार का दमनात्मक रहा, उसी तरह से इनको क्रश करने की कोशिश की गई, उसी तरह से इन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन आप इमेजिन करें कि मतलब कितने व्यापक स्तर पर गिरफ्तारी हुई कि फुलवारी शरीफ में जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखने के लिए एक कैंप जेल अंग्रेजों को बनवाना पड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय। अगर आप देखें पटना सत्याग्रह की चर्चा इसी के क्रम में आती है, 16 अप्रैल को अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में जो है नखास पिंड नामक जगह पर नमक बनाने के लिए प्रस्थान जब सत्याग्रही कर रहे थे तो उनको रोक लिया गया, और जब अब्दुल बारी और अब्दुल बारी के साथ साथ आचार्य जेबी कृपलानी ने सत्याग्रहियों को बचाने की कोशिश की तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होती है। आगे अगर देखें मई 1930 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो है धरना और सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया, और इसके कंटेक्स्ट में देखें विदेशी वस्तुओं का जो है और अदालतों का बहिष्कार किया जाना था। जहां पर विदेशी वस्त्रों की बिक्री होती है या जहां विदेशी शराब की बिक्री होती है उनके आगे धरना दिया जाना था। सर अली इमाम की अध्यक्षता में देखें एक स्वदेशी संघ की स्थापना पटना में होती है, और
इस स्वदेशी संघ मतलब जो व्यापारी थे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की ओर ओरिएंटेशन रखने वाले, उन्होंने एक निगरानी तंत्र का गठन किया। जो लोग भी विदेशी कपड़ा बेच रहे होते उनके अगेंस्ट उसकी निगरानी की जाती और उनको दंडात्मक कार्यवाही दी जाती। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के कंटेक्स्ट में देखें तो पूरे सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के दौरान अगर कहीं पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सफल रहा तो वह है बिहार में। इस बहिष्कार को, बायकॉट को जितनी सफलता बिहार में मिलती है उतनी बाहर नहीं मिलती। अगेन अगर आप देखें तो मैंने आपके साथ चर्चा की कि कहीं ना कहीं इस बहिष्कार को सफल बनाने में बिहार की राष्ट्रवादी महिलाओं की भूमिका अहम और निर्णायक रही। उन्होंने बाजार तक कंपेन चलाया विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के विरुद्ध। उन्होंने, महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों को बेचने वाले जो व्यापारी थे उनको जाकर के कन्विंस करने की कोशिश की, और आलम यह होता कि बिहार में स्पेशली महिलाओं की बढ़ती हुई सक्रियता को देखकर महिला पुलिस को बहाल करना पड़ता है सरकार को। इसी के कंटेक्स्ट में देखें बिहपुर सत्याग्रह की भी चर्चा आती है, और इस कंटेक्स्ट में देखें तो सदाकत आश्रम को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया जाता, कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ मारपीट की जाती है, उसी की प्रतिक्रिया में बिहपुर सत्याग्रह होता। बहिष्कार, जब विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात आती तो बिहार में अगर देखें तो छपरा जेल में राम विनोद सिंह के नेतृत्व में कैदियों के द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता और स्वदेशी वस्त्रों की मांग की जाती। जब जेलर तैयार नहीं होते, उनकी मांगों को नामंजूर कर दिया जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता, तो उन्होंने जो है नंगे रहने का निर्णय किया, और अंततः देखेंगे जेलर को विवश हो करके उनके लिए स्वदेशी वस्त्रों की व्यवस्था करनी पड़ी। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक दो और कंटेक्स हैं। जैसे अगर आप देखें चौकीदारी आंदोलन के बारे में मैंने विस्तार से आपके साथ चर्चा की, सबसे अधिक सफल यह चंपारण में रहता, और उसके अलावा अगर देखें इसका इम्पैक्ट सारण में दिखता, पटना में दिखता है, पूर्णिया में दिखता है, मुंगेर में दिखता है, मुजफ्फरपुर में दिखता है, शाहबाद में दिखता है। आगे चल करके देखें तो आप यह पाएंगे यह हुआ दौर है जिस दौर में हजारीबाग जो है वह कहीं ना कहीं बौद्धिक बहस का केंद्र बन करके आता है, हजारीबाग जेल। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट है, उस सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट की मैं बिहार के सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट से तुलना करना चाहूँगा। और मैं यह बतलाना चाहूँगा कि जब नेशनल पर्सपेक्टिव में चर्चा हो रही थी तो हमने कहा था कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास का पार्टिसिपेशन तो दिखता है, लेकिन यह पार्टिसिपेशन जो है सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में बिहार के इंटेलेक्चुअल क्लास ने भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। आप अगर देखें हजारीबाग जेल में ही रहते हुए जो है कई पुस्तकें लिखी जाती, कई पत्रिकाओं का प्रकाशन होता, और पहली बार फुलेन प्रसाद वर्मा ने हजारीबाग जेल में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनको डिस्टर्ब करने का प्रपोजल रखा था, जिस प्रपोजल को आगे चल करके आप देखें तो जिस प्रपोजल को आगे चल करके कब स्वीकार किया जाता तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उस प्रपोजल को स्वीकार किया जाता।